विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती देश विदेश से लोग देखने आते हैं। इसी तरीके से देवों की दिवाली, देव दिवाली वाराणसी में बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है। आइए जानते हैं कि कोविड के बाद इस साल देव दिवाली किस तरीके से मनाई जाएगी और इस बार क्या खास है देव दिवाली में। कार्तिक मास के अंत में काशी की विश्व प्रसिद्ध देव दीपावली की छटा देखने देश के कोने कोने से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग जुटते हैं। धर्म की नगरी काशी में देवताओं की दीपावली के दिन विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती की जाती है। माँ गंगा के तट पर अलौकिक आरती और उसके बाद दीपों से टिमटिमाते 84 घाटों पर आतिशबाजी का नज़ारा देखने में बहुत मनमोहक लगता है। इस वर्ष देव दीपावली के मौके पर काशी के घाटों पर कुल 15 लाख दिए जलाए जाएंगे, जिनमें 3 लाख दिए रेता पर, बाकी 12 लाख दिए से घाट जगमग होंगे, जो कि एक विश्व कीर्तिमान होगा। मान्यता है कि देव दीपावली के दिन सभी देवता देवादिदेव महादेव की नगरी काशी में दीपावली मनाते हैं। देव दीपावली की तैयारी पहले से ही शुरू हो जाती है। तैयारियों को लेकर गंगा सेवा निधि के सेक्रेटरी हनुमान का कहना है कि देव दीपावली का एक अलग ही महत्व है और साथ ही इसे राष्ट्र से भी जोड़ा गया है। कार्तिक महीने में हम तीनों सेनाओं यानी जल, थल और वायु सेना के शहीदों के लिए दीपक जलाते हैं। वहीं गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष ने देव दीपावली मनाए जाने के पीछे की कथा सुनाई। उन्होंने बताया कि कोरोना की वजह से पिछले साल देव दीपावली भव्य तरीके से ना होकर काफ़ी साधारण तरीके से मनाया गया था, लेकिन इस वर्ष देव दीपावली और भी भव्य तरीके से मनाई जाएगी, जहां भगवती मां गंगा की 21 महाआरती होगी, उसमें 42 देव कन्याएं रहेंगी और इंडिया गेट की अनुकृति बनाई जाएगी। इस वर्ष पूरी कोशिश रहेगी कि फूल, दीपक, लाइट से भव्य तरीके से देव दीपावली मनाई जाए। अध्यक्ष गंगा सेवा निधि, देखिए भगवान शंकर ने जब त्रिपुरासुर का वध किया रहा, उसी के उपलक्ष्य में सभी देवी देवता दीप जलाए थे, उसी को देव दीपावली के नाम से जाना जाता है और मनाया जाता है। और यह पर्व काशी के बहुत बड़ा पर्व है, जहाँ पे 84 घाट को भव्य रूप से सजाया जाता है। उसी क्रम में पिछले वर्ष कोविड के वजह से देव दीपावली नहीं हो पाई थी, बहुत ही साधारण रूप से किया गया था उसको, और इस वर्ष और भी भव्य तरीके से किया जा रहा है, जहाँ पर भगवती माँ गंगा की 21 महाआरती होंगी, उसमें 42 देव कन्याएँ रहेंगी और इंडिया गेट की अनुकृति बनाई जाएगी, जहाँ पे सभी सेना, भारतीय थल सेना, जल सेना, वायु सेना के वरिष्ठ प्रतिनिधियों द्वारा रीत चढ़ाया जाएगा व शहीदों के सम्मान में उनकी याद में पूरा कार्यक्रम होगा। और पिछले वर्ष नहीं हो पाया रहा, इस वजह से इस वर्ष हम लोग की और अच्छी तैयारी चल रही है कि और भी भव्य रूप से फूल से, दीपक से, लाइट से दशाश्वमेध घाट को और भी पिछले वर्षों के मुताबिक इस वर्ष और भी भव्यता से इस कार्यक्रम को किया जाए, मनाया जाए। अभी हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ये अभी सुनिश्चित नहीं हुए हैं, बाकी इसमें आर्मी, एयरफोर्स, CRPF, NDRF के वरिष्ठ अधिकारी, लेफ्टिनेंट जनरल और तमाम लोग उपस्थित रहेंगे और फिल्म जगत से भी कुछ लोगों के आने की अभी बात चल रही है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं हो पाया है। कि अगर आप बात करें तो अगले वर्ष की देव दीपावली के लिए इस समय से काशी में जो है होटल्स की बुकिंग वो होना शुरू हो जाती हैं और इसको देखने के लिए देश विदेश से लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं और जैसे लगता है कि एकदम मानिए स्वर्ग जो है वो धरती पे एकदम उतर आया है, क्योंकि 84 घाट माँ गंगा का जो पावन तट है, जो कि अर्धचंद्र आकार में है, वो बहुत ही भव्य रूप से सजाया जाता है उसको दीपक से। हर अलग अलग घाट पे वहाँ के लोग इस पर्व की खुशी मनाते हैं, रंगोली बनाते हैं, महाआरती होती है, दीप जलाए जाते हैं और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से भी काफ़ी अच्छे अच्छे कार्यक्रम होते हैं, उस पार में भी होते हैं। सेवानिधि सेक्रेटरी, देखिए देव दीपावली का एक अपना अलग महत्व है। जैसे दीपावली हम लोग मनाते हैं, वैसे देव दीपावली जो होता है वो देव लोगों की दीपावली होती है। कार्तिक मंथ में देव दीपावली का कार्यक्रम होता है। कार्तिक जो महीना होता है ये हमारे हिंदू धर्म में बहुत पर्व का महीना होता है और देव दीपावली हम लोग मनाते हैं। देव दीपावली के साथ साथ इसको राष्ट्र से भी जोड़ा गया है। 1999 से, कारगिल विजय युद्ध के समय से हम लोग इसे राष्ट्र से भी जुड़े हैं। जो शहीदों के लिए हम लोग कार्तिक के महीने में एक महीना आकाश दीप जलाते हैं
और उसका समापन कार्तिक के आखिरी वाले दिन जिस दिन देव दीपावली होती है उस दिन उसका समापन होता है। और यहाँ पर जो देव दीपावली पे एक विशेष आरती होता है, आप 21 आरती होता है, 42 लड़कियाँ रहती है जो रीति सिद्धि के रूप में, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कि मानो काशी में स्वर्ग उतर आया हो। 19 नवंबर को मनाया जाएगा और विशेष हस्तियां को आप उस दिन जरूर अवलोकन करेंगे, अभी उन लोगों का कंफर्म नहीं हुआ। दिवाली के दिन सभी देवता धरती पर आते हैं और देव दिवाली के दिन बनारस के 84 घाटों को दीपक से दुल्हन की तरह सजाया जाता है। पिछले साल कोविड की वजह से देव दिवाली की जो उत्साह थी वो लुप्त हो गई थी, लेकिन इस साल फिर से वो रौनक लौट आएगी ऐसा लग रहा है। यहाँ जोरों शोरों से देव दिवाली की तैयारी चल रही है। प्रभा साक्षी से आरती पांडे, बनारस। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।